आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उसकी पहली वाक्य देखिए, ऑर्डर ऑफ किसको कहते हैं। नंबर टू क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, द पुलिस ब्लैंक स्पेस द एंटायर सिटी टू नैब द एब्सकॉन्डर और फ्यूजिटिव। सेकंड वर्ड आता है नैब, एनएबी नैब। थर्ड वर्ड आता है नैब आ गया, सेकंड वॉकैब। थर्ड पर रोटेशन ले रहा है आपका एब्सकॉन्डर, आपको आता है इसका वर्ड है फ्यूजिटिव। अब पुलिस की इस कहानी को आपको समझना है, कॉर्डर ऑफ किसको कहते हैं। ये पुलिस पर आगे चार वर्ड, चार वॉकैब अब रोटेशन कर रहे हैं पुलिस से। पुलिस क्या कहती है, कॉर्डर ऑफ का मतलब होता है नाकाबंदी कर देना, शहर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए तो उसे कहते हैं कॉर्डन ऑफ, नाकाबंदी करना, कॉर्डन ऑफ। जैसे गोगा बेड़ी का जब मर्डर हुआ, पूरे जयपुर शहर को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। रंगे हाथ पकड़ना नैब, रंगे हाथ पकड़ना नैब। हिसाब उसके बाद हथियार है, उसके साथ वो पकड़े गए तो नैब हो गए। और फ्यूजिटिव का मतलब होगा भगोड़ा, जो कानून की गिरफ्त से भाग जाए, जो स्टिल एट लार्ज हो जाए। स्टिल एट लार्ज आपने इसकी फ्रेज की थी, स्टिल एट लार्ज का मतलब होगा कानून से बाहर। इसको अभी तक फरार है, दैट इज स्टिल एट लार्ज। इस कहानी को अच्छे से समझिए, कॉर्डन ऑफ नाकाबंदी कर देना, नैब रंगे हाथ पकड़ना, फ्यूजिटिव भगोड़ा और स्टिल एट लार्ज। अब पुलिस के साथ चार कहानियां लागू होती है, मैं पुलिस की चारों कहानियां बता देता हूं। सपोज करिए यहाँ पर पुलिस को फैला दिया गया, पुलिस भैया यहाँ फैल जाओ, पूरे इलाके में फैल जाओ आप। पुलिस का फैलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत मैथमेटिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। पुलिस की टुकड़ी को एक विशेष एरिया में फैला दिया जाए तो वर्ड आएगा डिप्लॉय, डिप्लॉय यानी फैलाना। और ऊपर फैन को देख लो, इसी से फ्रेजल वर्ब तैयार कर लो, कुछ नहीं लगाना है, फैन आउट, फैन आउट भी फैलाना प्लस कर दीजिए पुलिस। बहुत मैथमेटिकल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। ऊपर फैन को देख लो, फैन के साथ आउट लगाना है, फैन आउट का मतलब भी फैलाना और डिप्लॉय का मतलब भी फैलाना। कहीं पर पुलिस को तैनात किया जाता है कि साहब इस इंस्टीट्यूट के बाहर चार पुलिस वाले तैनात कर दो, आक्रमण होने की आशंका है। जैसे पुलिस इसके बाहर क्या बोलते हैं, सलमान खान पर जब फायरिंग हुई तो पुलिस की तैनात कर दिया गया कॉन्स्टेबल वगैरह को, वो तैनात करना स्टेशन कहलाता है, STATION। और पुलिस जब किसी भी एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, देखो चारों में फर्क है। पुलिस जब किसी भी एरिया को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी उसको चारों तरफ से घेर लेती है तो वर्ड आएगा बीसीज, वर्ड आएगा बीसी, चारों तरफ से घेर लेना। कभी कभी इसकी जगह एंगल भी यूज कर लेता है, चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेरना। जब आनंद पाल को गन डाउन किया गया था तो उसके ठिकाने को यानी श्रवण सिंह के मकान को बीसी किया गया था और एंगल्फ किया गया था। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को सरेंडर कर दो, तो वो बी सीज और एनगल्फ कहलाता है। जयपुर की किसी भी रोड से आप निकल नहीं सकते, अजमेर रोड पर पुलिस है, आगरा रोड पर पुलिस है, कालवा रोड पे पुलिस है, सिकर रोड पे पुलिस है, यानी जयपुर से निकलना इम्पॉसिबल है। तो ये कहानी जाएगी कॉर्डन ऑफ के पास। पुलिस की चार गतिविधियों को इम्पोर्टेंट कर लेना, चारों का यूज अलग अलग है। स्टेशन वही है जो अपना क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन और बस स्टेशन है। चारों कहानियां अलग अलग, फैन आउट, फैन से याद आया, फैन आउट का मतलब पुलिस की टुकड़ियों को फैला देना, डिप्लॉय भी फैला देना। आप जब कोई भी अच्छा आर्टिकल पढ़ेंगे तो डिप्लॉय और फैन आउट जरूर आएगा। स्टेशन तैनात करना, जैसे सलमान खान की घर पे फायरिंग हुई तो चार पांच पुलिस वाले स्टेशन कर दिए गए। बीसी चारों तरफ से घेर लेना, जैसे फिल्मों में भी होता है, एक्चुअल में भी होता है, डाकू है बीच में, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, बीसी और एनगल।
और कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है नाकाबंदी करना, यानी शहर से जयपुर से निकलना इम्पॉसिबल हो जाए। गोगाबेड़ी मर्डर केस हुआ था तो कॉर्डन ऑफ वर्ड बहुत बार उछला था। कॉर्डन ऑफ का मतलब है नाकाबंदी करना, मतलब यू कांट एग्जिट फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ जयपुर, आप जयपुर की परिधि से बाहर निकल नहीं पाए। हर मोड़ पर पुलिस चेकिंग करेगी। जब आनंद पाल का एनकाउंटर नहीं हुआ था उससे पहले हर जगह कॉर्डन ऑफ था, शेखावाड़ी पूरे रीजन में कॉर्डन ऑफ था, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, हर जीप को हर व्हीकल को चेक कर रही थी कि आनंद पाल किसी रूप में जा तो नहीं रहा। एम्बुलेंस तक चेक होती थी, वो कहानी कहलाती है कॉर्डन ऑफ। ये पुलिस के साथ हमने कुछ एप्लीकेशन लिया, हमने डिप्लॉय और फैन आउट में अंतर किया, बी सीज और एंगल्फ को समझा, स्टेशन एज ए वर्ब क्या काम करती है वो समझा, और कॉर्डन ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और फैन आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इन दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना, कॉर्डन ऑफ और फैन आउट। फ्रेजल वर्ब कभी याद नहीं होती, उन्हें एप्लीकेशन में उतारना पड़ता है। और अब आ जाइए इसके आंसर पर। आंसर कहता है कल वाला मॉडल है, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, भूतकाल में आपको राय देनी है, अब आप भूतकाल में राय दे दीजिए। द पुलिस शुड हैव कॉर्डन ऑफ द एंटायर सिटी टू नैब द एब्सकॉन्डर और फ्यूजिटिव, पुलिस को सारे शहर की नाकाबंदी करनी चाहिए थी भगोड़ों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। आपने जो अपना आंसर बनाया वो शुड हैव से बनाया, क्योंकि शुड हैव एक मॉडल है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि पुलिस से आपका वाक्य शुरू हो रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। द पुलिस शुड हैव कॉर्डन ऑफ द एंटायर सिटी टू नैब द एब्सकॉन्डर और फ्यूजिटिव, क्वेश्चन मॉडल से कवर हुआ, शुड हैव के पास गया, एक्टिव वॉइस में आंसर लेकर आया क्योंकि पुलिस से आपका वाक्य शुरू होता है। द ड्रेस्टिक स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट सॉरी मोलेस्टेशन, ड्रेस्टिक स्टेप्स, ड्रेस्टिक काफी जगह यूज होता है इसका, ड्रेस्टिक स्टेप्स का मतलब होता है कठोर कदम, कोई भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार पुलिस सब कठोर कदम उठाती है, ड्रेस्टिक स्टेप कहलाते हैं वो। आपने पनिशमेंट के साथ रिग्रेस किया था, आपने जज के साथ स्टंट किया था, ये भी 8 या 10 वर्ड एक साथ जो एक साथ रोटेशन में लेंगे। दूसरा कहता है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, स्टॉप का सिमिलर वर्ड है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, स्टॉप का सिमिलर वर्ड है प्रिवेंट। और तीसरी वॉकअप जो जा रही है सॉरी मलस्टेशन, यानी भर्ती हुई छेड़छाड़, सॉरी वर्ब नहीं है। ग्रामर की लैंग्वेज में इस वर्ड को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, ग्रामर में इसका क्या रोल है डिस्कस करेंगे वक्त आने पर, बहुत शानदार रोल है। आपके आरजेएस का जो सिलेबस है बहुत अधूरा है, यदि छोटी छोटी नॉलेज आपको नहीं है आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, ये छोटी छोटी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। मां तो 7 पॉइंट देके इतिश्री कर ली वो गलत है, जब आपको ये पता ही नहीं कि सॉरी क्या है आप एक अच्छा ऐसे अच्छी राइटिंग अच्छा आर्टिकल लिख ही नहीं सकते। आपने आंसर नंबर सेकंड में शुड हैव भी दिया क्योंकि आपको पैसिव वॉइस में जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि कर्ता हमारे पास नहीं है। वाक्य का अर्थ देखिए, द ड्रेस्टिक स्टेप शुड हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट सॉरी मोलेस्टेशन, कठोर कदम उठाए जाने चाहिए थे भर्ती छेड़छाड़ को रोकने के लिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए, नाउ इट इज द पीपल वोट फॉर रोबस्ट एंड एम्बायस्ड डेमोक्रेसी, रोबस्ट आपने पहले कर दिया था मजबूत, रोबस्ट कहा जाता है मजबूत को, मैं एम्बायस्ड के बारे में कुछ अच्छी बात करूंगा आज, रोबस्ट कहते हैं मजबूत को। स्ट्रॉन्ग का सिमिलर, वाइगोरस का सिमिलर, सेलुबीरियस का सिमिलर। दूसरा वर्ड आया इम्बायस, इम्बायस एक ऐसा वर्ड है जो हमारे हर ऐसे में घूमेगा, इम्बायस का मतलब है निष्पक्ष, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना, इम्बायस कहते हैं निष्पक्ष और रोबस्ट कहते हैं मजबूत, ठीक है। अब आपका पक्षपात के जो वर्ड होंगे या आपका इम्बायस पक्षपात के कर लो, उसमें उल्टा कर देना, पीपी भी एक फॉर्मूला कर देना, पक्षपात लेना किसी का,
किसी का फेवर करना, पी फॉर पार्शल, एक बार कहते हैं ना आप मेरे साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, पी फॉर प्रीजुडिस, ये तो लॉ में खूब घूमता है, और बी फॉर बायस। पार्शल, प्रीजुडिस और बायस, ये इसकी फ्रेज भी ले लीजिए। इसकी इंपॉर्टेंट है टेक कजल फॉर समबडी, टेक कजल फॉर समबडी, किसी का पक्ष लेना। इसकी फ्रेजल वर्ब भी ले लीजिए स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर भी किसी की तरफदारी करना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो सारी दुनिया बाहर है इससे। किसी का पक्ष लेना, किसी की तरफदारी करना, किसी की हिमायत करना, स्टैंड फॉर और टेक कजल फॉर, स्टैंड फॉर और टेक कजल फॉर, स्टैंड फॉर और टेक कजल फॉर। कजल कहते हैं लकड़ी के डंडे को, आपने वो लकड़ी का डंडा किसके लिए उठाया है, टेक कजल फॉर समबडी और स्टैंड फॉर समबडी। यदि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो डेड सर्टेन चाइना, ये दोनों फ्रेजेस पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएगा। फिर रिपीट करता हूं मैं अपनी बात, यदि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है तो ये दोनों चीजें टेक कजल फॉर समबडी और स्टैंड फॉर जाएगी सीधी सीधी चाइना की तरफ। चाइना पाकिस्तान को टेक कजल करेगा, चाइना पाकिस्तान को स्टैंड फॉर करेगा, उसका पक्ष लेगा, उसकी हिमायत करेगा, उसकी तरफदारी करेगा, उसका फेवर करेगा। स्टैंड फॉर फ्रेजल वर्ब है, टेक कजल फॉर फ्रेज है, इसका प्रोनंसिएशन कजल होगा। कजल का मतलब होता है लाठी या लकड़ी का कोई भी बड़ा डंडा, आपने किसके लिए उठाया है, यानी उसी का आप फेवर करेंगे, निश्चित सी बात है। तो टेक कजल फॉर समबडी, किसी का पक्ष लेना, किसी की हिमायत करना, किसी की तरफदारी करना। पार्शियल, प्रीजुडिस और बायस कहते हैं पक्षपात को, किसी का फेवर करना, किसी की तरफ वन साइडेड रहना, किसी की तरह लोप साइडेड रहना, किसी की तरफ झुकाव रखना, दैट इज पार्शियल, प्रीजुडिस और बायस। या हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी भी यूज कर लो, यदि एक लड़का है और लड़की है तो जो ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हैं वो हमेशा बॉय को, सन को टेक कजल फॉर करते हैं, स्टैंड फॉर करते हैं, चाहे उसकी कितनी बड़ी गलती हो। डांट जो पड़ती थी वो पड़ती थी लड़की को क्योंकि उसे इंफीरियर माना जाता था, दैट इज रॉन्ग मेंटेलिटी। तो टेक कजल फॉर और स्टैंड फॉर ने आपसे बातचीत की और आ जाइए, क्वेश्चन कहता है नाउ इट इज आ गया, नाउ इट इज आ गया तो कौन सा टेंस घूमेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ इट इज यदि वाक्य में शुरू हो गया तो रूम नंबर सेकंड में चलिए, रूम नंबर सेकंड में कौन मिलता है, इज, एम, आर, बी फोर, ये कहानी बनाई आपने। अब आंसर पर आइए, आंसर में डायरेक्ट अटैक नहीं करना। नाउ इट इज द पीपल आर कास्टिंग वोट फॉर रॉबस्ट एंड इम्बेस्ड डेमोक्रेसी, आजकल लोग वोट डाल रहे हैं मजबूत और निष्पक्ष प्रजातंत्र के लिए। रॉबस्ट कहते हैं मजबूत को, इम्बेस्ड कहते हैं निष्पक्ष को। कहानी जाती है नाउ इट इज के पास, ग्रामर पावर है नाउ इट इज के पास। नाउ इट इज कहता है रूम नंबर सेकंड, रूम नंबर सेकंड जाता है इज एम आर बी फोर के पास, और आपको पता है यू हमेशा आर के पास जाएगा, आर हमेशा बी फोर के पास जाएगा इस रूम में। तो जो एब्सेंट थे उनका भी रिपीटेशन हो रहा है, और आपने कहा नाउ इट इज द पीपल आर, सॉरी द पीपल के अकॉर्डिंग आर आएगा, द पीपल आर कास्टिंग दियर वोट फॉर रॉबस्ट एंड इम्बायस्ड डेमोक्रेसी। फोर्थ पर जंप करिए, यू दियर रैमशकल हाउस लेटली ड्यू टू योर एंटागोनिज्म। खाली जगह आई, यू ब्लैंक स्पेस रैमशकल हाउस, रैमशकल हाउस एकदम टूटा फूटा मकान, जर्जर है, रैमशकल, आराम से स्पेलिंग को देखना, रैमशकल का मतलब है जर्जर है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, गिरने वाला है। हिंदी को भी मजबूत करिए क्योंकि हिंदी में आपकी राइटिंग यदि शानदार होगी तो आप ऐसे में नंबर ऊपर के ऊपर उठा लाएंगे। यस, हाँ, फिर तो कोई सा भी, जब आपकी ग्रामर वहां काम नहीं कर रही तो फिर तो आप कोई सा भी टेस्ट दे सकते हो। यदि नाउ इट इज से आपका वाक्य शुरू नहीं होता तो आप कास्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, डी नहीं हो सकता था और बी नहीं हो सकता था, आपका सी भी हो सकता था और ए भी हो सकता था, कोई नहीं है, बी नहीं होता और डी नहीं होता क्योंकि दोनों में वो है सिंगुलर। रैम शकल जर्जर और जीर्ण हो गया, टूटा फूटा हो गया, इसमें एक स्पेलिंग और छुपी हुई है शैकल, इसको अलग से लिख लो, शैकल। शैकल का मतलब होता है बाधा डालना,
बाधा डालने को शैकल कहा जाता है, और दूसरा मतलब होता है हाथी को नकेल से नहीं बांधा जाता, हाथी के पैर को बांधा जाता है जंजीर से, उसे कहते हैं बेड़िया डालना। इसको मैं ऐसे में काम में लूंगा, इससे इंपॉर्टेंट कर लेना। बेड़िया डालने को भी शैकल कहा जाता है। कोरोना ने हमारे प्रोग्रेस में शैकल कर दी, ये तेज गर्मी हमारी इस क्लास को शैकल कर रही है। कुछ भी बाधा ना अवरोध पैदा बेड़िया डालना शैकल, रैम शैकल, जर्जर हो गया, जीर शीर हो गया, और दूसरा वर्ड आया आपका एंटेगोनिज्म। वर्ड से दोस्ती करते चलो, आ चुका है लेकिन अभी दिमाग में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंटेगोनिज्म क्या अर्थ होगा? एंटेगोनिज्म कट्टर दुश्मनी, जब अपने रिया फॉर्मूला किया था, कट्टर दुश्मनी को कहा जाता है एंटेगोनिज्म। तीन वर्ड किए थे अपन ने रिया, रैंकर, एनमिटी, एंटेगोनिज्म। रिया से कट्टर दुश्मनी या रिया की कट्टर दुश्मनी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटेगोनिज्म कट्टर दुश्मनी। शैकल हो गया, रैम शैकल हो गया, एंटेगोनिज्म हो गया। क्वेश्चन पर आ जाइए, भैया तू क्या चाहता है? ये तो हमने एक्स्ट्रा रोल लेना, इसलिए गेम खेलते हैं, तू चाहता क्या है? ग्रामर पावर जाती है यहाँ पर, यहाँ पर आपका कीवर्ड है, यहाँ पर हमारा जो हमारी सेंटर पॉइंट है जहां से हमें आंसर का फाइंड पड़ेगा वो है आपका लेटली। लेटली कहता है मैं रहता हूँ रूम नंबर थर्ड में, सीधी सी बात है। लेटली कहता है मैं रहता हूँ रूम नंबर थर्ड में, लेकिन मेरा देरी से कोई लेना देना नहीं है, देरी से अपना कोई लेना देना नहीं है। मेरा हिंदी मतलब होता है अभी अभी, यानी रिसेंटली, यानी जस्ट अभी अभी। लेटली और मेरे साथ जो टेंस आता है वो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बड़े आराम से पेपर क्लियर करो, ये आर्ट आपने डेवलप कर ली, क्या होगा? देखो जितेंद्र क्या प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है? तो आपने कहा कि सर लेटली आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर लेटली पर वो डिपेंड है पूरा का पूरा। ये तो अभी वोकैबुलरी होती तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है। लेटली है अभी अभी, इसका लेट से कोई लेना देना नहीं है, हाँ रहता ही लेट के साथ लेकिन लेना देना नहीं है। तो इसके साथ कौन सा टेंस आएगा? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आंसर आपके पास आ गया, यू हैव डेमोलिश, डेमोलिश यानी दहाना, गिरा देना। डेमोलिश के दो मतलब हैं। अब देखो जयपुर में पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो सारे के पुराने मकान क्या है? ढहा रहे हैं, गिराना, मकान को गिराना, दुकान को गिराना डेमोलिश कहलाएगा। और दूसरा खाने को चट्ट कर देना, ये दोनों ही कर लेना, खाने को चट्ट कर देना भी डेमोलिश कहलाएगा। फिर अब क्या करे? दो हेलो आवाज आ रही है, पर ये फिर इसमें प्रॉब्लम है, ये तो वही कर सकते हैं, अपने हाथ पे तो ये है, उधर का तो अपने पास में है नहीं। डेमोलिश का मतलब होगा मकान को गिराना, दुकान को गिरा देना डेमोलिश कहलाएगा। और दूसरा जो खाना चट करते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं, जैसे हमारे पूर्वज करते थे, मैं बार बार कहता हूँ, वो खाने का एक दाना भी झूठा नहीं छोड़ते थे, हम तो फिर भी छोड़ देते हैं, दैट इज रॉन्ग हैबिट, वो डेमोलिश करते हैं। या हमारे भी ले लो, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना डेमोलिश करते हैं क्योंकि पैसा लगता है, और जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो वहां लिविंग्स छोड़ कर आते हैं, लिविंग्स का मतलब है जूठन। यदि हम किसी की शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर तो हमारे बाप का कुछ लगता नहीं है, तो हम लिविंग्स छोड़ देते हैं। और वो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पनीर की फुल प्लेट है 250 रुपए की, पूरा का पूरा चढ़ कर आते हैं, वो चढ़ने को बोलते हैं डेमोलिश। क्लियर? डेमोलिश के दो मतलब किए आपने, पहला आपका चट कर देना और दूसरा आपका मकान को गिरा देना। जो अभी ब्रिज बन रहे हैं तो डेमोलिश बहुत सारे मकान हो रहे हैं, क्या काफी लोग अपने पुराने मकानों को, कट्टर दुश्मनी आंसर खुद आएगा, इतना मजबूर करो। सबसे पहले आपने कहा एनोय, इंपोर्टेंट कर लेना, एनोय का मतलब होगा नाराज होना, ये ग्रामर में बहुत शानदार रोल निभाता है, एनोय का मतलब नाराज होना। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हो तो प्रपोजिशन विथ आएगा, जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, अपने पापा से, मम्मी से, या आपसे वो नाराज है,
व्यक्ति से नाराज हैं तो एनओए बिथलेगा। जब आप किसी बात पर नाराज हैं, किसी के मिसबिहेवियर, किसी के गुस्से से, किसी के एटीट्यूड से, किसी के घमंड से आप नाराज हैं या वो आपसे नाराज हैं, तो एट आएगा किसी बात से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा, किसी भी हाल में इसके साथ बाय नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, पैसिव वॉइस होगी तो भी इसके साथ कभी भी बाय नहीं आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को अभी दिमाग में प्रिंट कर लो। ऐसी नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। जब ये आरजेएस में प्रपोजिशन को कहीं मेंशन नहीं कर रखा, सिलेबस बनाने वाले से पूछिए, यदि प्रपोजिशन का नॉलेज ही नहीं होगा तो ऐसे को लिखेंगे कैसे, क्योंकि हर लाइन में प्रपोजिशन चाहिए, हर लाइन में, हर पद। यदि 500 वर्ड लिख रहे हैं तो हमें कम से कम जिसे कहते हैं 50 बार प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, 50 बार 50 टाइम्स। और वहां पर पता ही नहीं है कि प्रपोजिशन, बाय लगा दे तो ठीक है, नहीं लगाए तो ठीक है। तो एनओए कहता है नाराज होना, इसके साथ जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हो तो विथ आएगा, किसी बात पर नाराज हो तो एट आएगा, बाय कभी नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे नाराज हूं, आई हैव एनोयड विथ यू, किस बात पर, आपने जो वो उसे मिसबिहेव किया था, आपने जो मिसबिहेव किया था उससे, सर आई हैव एनोयड विथ यू एट योर मिसबिहेवियर या एट योर एंगर, आपके गुस्से पर, आपके मिसबिहेव पर मैं आपसे नाराज हूँ, एट और विथ ले गया, बाय नहीं आएगा, चाहे पैसे वॉइस हो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनोय नाराज होना इस हर चीज की, एनोय आपका मानसिक क्रिया है, और जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है उनमें बाय कभी भी नहीं आएगा, जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है उनमें कभी भी बाय नहीं आएगा। नाराज होना, राजी होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, इत्यादि इत्यादि कुछ भी मानसिक क्रियाएं हैं, उनमें बाय कभी भी नहीं आएगा। क्लियर एकदम? चलिए आगे। तो आपने कहा व्हेनेवर की ग्रामर कल भी की थी, ट्रिवियल का मतलब छोटी मोटी बातें, ट्रिवियल इश्यूज का मतलब है छोटी मोटी बातें, तुच्छ बातें, नगण्य बातें, महत्वहीन बातें। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ बातें, जिसका आपने फ्यूटाइल आंसर दिया था, जिसका आपने फ्रीवलस कहा था, अपोजिट बोलोगे तो सेमिनल, सिग्निफिकेंट इत्यादि हो जाएगा। अब यहाँ पर के पास जाइए, आंसर के लिए कीवर्ड को बुलाइए। कीवर्ड कहता है व्हेनेवर, व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी। ये आपको दो बार मिलेगा, एक बार मिलेगा कंजक्शन की पावर में, एक बार टेंस की पावर में। तो व्हेनेवर कहता है मेरे बाद आने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, बार बार रिपीट कर दीजिए, मेरे बाद आने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, तो मेरे बाद या तो V1 आता है या V5 आता है। कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है, मेरे बाद या तो V1 आएगा या मेरे बाद V5 आएगा, मेरा हिंदी मतलब होता है जब भी। अभी सारी थ्योरी को फॉलो करते हुए आप आंसर नंबर देंगे, व्हेनेवर दे रिबुक मी ओवर ट्रिवियल इश्यूज आई एनो विद देम। रिबुक का मतलब है डांटना, रिबुक का मतलब है डांटना। सारी थ्योरी क्लियर हो गई, सारी कहानी क्लियर हो गई। व्हेनेवर, जब भी वे मुझे डांटते हैं छोटी मोटी बातों पर, आई एनो विद देम, मैं उनसे नाराज हो जाता हूं। एनो की इस कहानी को भूल मत जाना, यदि एग्जाम में आपको बहुत टॉप पर से नंबर लाने हैं तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। सतही तौर पर यदि आप मेहनत करेंगे तो 10, 12, 15 नंबर तक आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा अलग है, टारगेट ये है आएंगे कितने वक्त बताएगा। व्हेनेवर दे रिबुक मी ओवर ट्रिवियल इश्यूज आई एनोय विद देम। नेक्स्ट आइए, यू होल्ड इन अनदर कोर्ट नाउ दिस डज नॉट बिहेव यू। आइए, बिहेव क्या कहता है, बिहेव का मतलब होता है शोभा देना, कोई चीज अच्छा लगना। जैसे अपन लोग वल्गर लैंग्वेज यूज करें, अच्छी बात थोड़ी है, शोभा थोड़ी देगा अपन को। जोर जोर से चिल्लाएं, नीचे जाके चिल्लाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा करें, नहीं, अपन को शोभा नहीं देता, क्योंकि अपन वेल क्वालिफाइड पर्सन है, अपन टेबल टॉक कर सकते हैं, बाकी चिल्लाएं, हाथापाई करें, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करें तो ये हमको शोभा नहीं देता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, भियो कहलाएगा। नेक्स्ट पर मूव करिए, नेक्स्ट कहता है होल इन अनोदर कोर्ट, फ्रेज आ गई,
पीआईसी के पेक होल इन अनदर कोर्ट। हम जब भी कोई दुकानदार से तो नहीं करते, दूसरे में कमियां ढूंढना, पेक होल इन अनदर कोर्ट हमारी फेस थी, यानी कोर्ट खरीदा तो उसमें देखते हैं कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है, जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस में, बीजेपी वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले बीजेपी में क्या कर रहे हैं, यही फ्रेज लागू कर रहे हैं, पिक होल इन अनदर कोर्ट। आपस में कमी चल रही है, कमियां ढूंढ रहे हैं, पिक होल इन अनदर कोर्ट, बेहोश शोभा देना। अब आंसर के कीवर्ड पर आ जाइए, आंसर आपसे क्या चाहता है, आंसर का कीवर्ड क्या है, नाउ। क्वेश्चन में क्या है, नाउ, नाउ आपसे क्या उम्मीद करता है, नाउ आपसे उम्मीद करता है कि जब मैं यदि सेंटेंस में आ जाऊं तो मेरे साथ आने वाला टेंस कौन सा होगा, कौन सा टेंस आता है मेरे साथ, रूम नंबर सेकंड। रूम नंबर सेकंड में कौन रहता है, इज एम आर बी फोर, ये नाउ की कहानी है। बी फोर का मतलब आई एन जी फॉर्म, गोइंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया। अब आपका आंसर बिल्कुल इजी हो गया कि यू आर पिकिंग होल इन अनोदर कोर्ट नाउ, तुम अभी भी दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हो, दिस डज नॉट बिहेव यू, तुम्हें शोभा नहीं देता है। आंसर नंबर ए आंसर आया नाउ के कारण। सेवंथ आइए, इट इज हाई टाइम दैट यू इन न्यू बिजनेस टू अर्न क्लोजर प्रॉफिट। वोकैब पर आइए, क्लोजर, सी ओ एल ओ डबल एस ए एल, क्लोजर लॉस का क्या मतलब होगा, भारी नुकसान, क्लोजर लॉस, क्लोजर लॉस का मतलब होगा भारी नुकसान। इसका आंसर में आया फोर ए, फोर ए का मतलब होता है नए क्षेत्र में कदम रखना, नया व्यापार शुरू करना, नए क्षेत्र में कदम रखना फोर ए कहलाएगा, नए क्षेत्र में कदम रखना फोर ए कहलाएगा, क्लोजर लॉस कहलाएगा भारी नुकसान। बताइए इसका आंसर कहां से कवर होगा, कीवर्ड क्या बनाएंगे इसके लिए, यदि इसका आंसर देना है तो कीवर्ड क्या है, यदि इसका आंसर देना है तो इसका कीवर्ड है इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम से यदि आपका वाक्य शुरू होता है, इट इज हाई टाइम या टाइम से आपका वाक्य शुरू होता है तो वाक्य के में कौन सा टेंस आएगा, पांच आएगा, पांच में कौन रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसका नाम है पास्ट डेफिनेट, पांच में कौन रहता है पास्ट डेफिनेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर दीजिए सी इज द राइट आंसर, फोर एट इज द राइट आंसर। इट इज हाई टाइम That you forayed in new business to earn closure loss. ये अच्छा समय है कि आपने नए व्यापार में कदम रखा था, आपने शुरू किया है to earn कमाने के लिए closure profit भारी फायदा। एट पर आइए, हाँ ये नहीं, ये सर रूल है, ये मेरे पास इट इज हाई टाइम आ जाए या टाइम आ जाए तो उसके बाद आने वाला टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट डेफिनेट ही आएगा। ये पांच कंडीशंस हैं जिनमें इसको ही लाना पड़ेगा, मैं रिपीट करवा दूंगा एक बार, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लो। द ट्रायो कलर ऑन रेड लेटर डे अमिड मेमथ थ्रॉंग, ट्रायो कलर रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब आपने देखा होगा कैलेंडर में जितनी भी छुट्टियां हैं वो लाल अक्षरों से होती है, हम किसी को न्योता देते हैं तो उस पर लाल शाही से लिखते हैं शुभ दिवस, मंगल दिवस, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी सब रेड लेटर डे है, तो रेड लेटर डे का मतलब होगा शुभ दिवस, मंगल दिवस। और क्या चाहता है क्वेश्चन, और कहता है अमिड, अमिड का मतलब बीच में, जैसे मैं आपके बीच में ये शेयर करना चाहूंगा, अमिड का मतलब है बीच में, हो गया। थर्ड पर आइए, थर्ड कहता है मैमथ थ्रोंग, मैमथ थ्रोंग का मतलब भारी भीड़, मैमथ थ्रोंग, मैमथ थ्रोंग का मतलब है भारी भीड़। क्वेश्चन पर वापस आ जाइए, क्वेश्चन क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कहां से चाहता है, ये तो अपने एक्स्ट्रा नॉलेज निकाल दी। रेड लेटर डे हो गया, आपका भीड़ हो गया, मैमथ थ्रोंग हो गया। आइए इसके आंसर पर, आंसर को पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा क्योंकि तिरंगे को फहराया जाएगा शुभ दिवस पर भारी भीड़ के बीच में, आंसर को पैसिव में जाना पड़ेगा।
बी आंसर डी हो सकता, सी आंसर डी हो सकता, डी आंसर डी हो सकता, कि ये तीनों एक्टिव वॉइस में है। आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा, विल बी होस्टेड। विल बी होस्टेड कौन से रूप की पैसिव है? रूप नंबर नाइन्थ की। रूप नंबर नाइन्थ की पैसिव कवर होती है फहराया जाएगा, तिरंगे को शुभ दिवस पर फहराया जाएगा भारी भीड़ के मध्य। बी आपकी एक्टिव है, सी आपकी एक्टिव है, डी आपकी एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का ए की आंसर है, ए विल बी होस्टेड। इफ यू बी आई विल बी हेड यू इन माई आयर। बी हेड किसी का सिर काट देना, जो महाभारत में बर्बरीक का काटा था, इसके भी पांच वर्ड है आज यूज नहीं कर रहे। सिर काटना, सिर का विच्छेद कर देना, बी हेड। बिल्कुल अलग, फिल्मों में युद्ध में देखा होगा, ये काट दिया सिर को, बिल्कुल अलग कर दिया, गर्दन अलग, वो अलग, टोर्सो अलग। बी हेड का मतलब सिर काट देना। दूसरी वोकैब आयर, आयर का मतलब क्रोध, एंगर का सिमिलर वर्ड है। आयर का मतलब है, बी हेड का मतलब है सिर काटना। क्वेश्चन के ग्रामर पावर के पास आइए, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा बताइए। क्वेश्चन आपसे क्या उम्मीद करता है और कहां जाएगा? इफ की कंडीशन आ गई, आ गई बिल्कुल। इफ की कंडीशन में दूसरे भाग में विल दे रखा है, तो पहले भाग में क्या आएगा? P1 और P5, absolutely right। या तो P1 आएगा या P5 आएगा। इस कंडीशन का नाम क्या है? पॉसिबल कंडीशन, संभव शर्त। संभव शर्त में या तो इफ के साथ P1 आएगा या P5 आएगा। यू के साथ क्या आएगा? B1। यू के साथ क्या आएगा? B1 बुली ओवर। बुली ओवर का मतलब होता है दादागिरी करना। बुली ओवर फ्रेजल वर्ब है, दादागिरी करना, किसी पर रोब दिखाना, किसी पर धौंस दिखाना, जैसे पुलिस कांस्टेबल, ये पुलिस कांस्टेबल दिखाते हैं ठेले वालों को, वो बुली ओवर ही करते हैं। 2 किलो केले तोलते, बोले साहब पैसे, बोले जानता नहीं मैं कांस्टेबल हूँ थाने में, 2 किलो एप्पल कर दे, वो बुली ओवर करते हैं, दादागिरी करते हैं, रोब दिखाते हैं, धौंस दिखाते हैं। तो क्वेश्चन इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर नंबर सी दे कर गया, इफ यू बुली ओवर मी, यदि तुम मुझ पर दादागिरी करोगे तो आई विल बीहेड यू, तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, इन माई आयर, मेरे क्रोध में। क्लियर नाउ नाइन्थ क्वेश्चंस। आइए सिमिलर पर डेसीमेट, कल ही किया था पढ़ने, कल ही अपने किया था डेसीमेट। डेसीमेट का क्या मतलब होगा? जो कोरोना ने कर दिया पूरे वर्ल्ड को, कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को डेसीमेट कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया, मटियामेट कर दिया, तबाह कर दिया। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को डेसीमेट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। आंसर ये ढूंढने निकला तो इसका आंसर आया रोइन। रोइन का मतलब भी बर्बाद करना, रुइंस होगा खंडर, और रोइन का मतलब बर्बाद करना। डेसीमेट, कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को डेसीमेट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कहीं पर बाढ़ आ गई, पूरा स्टेट डेसीमेट है, कहीं पर सूखा पड़ गया, पूरा वर्ल्ड जो है, राज्य जो भी है डेसीमेट है। आंसर नंबर लेगा ये रोहित के पास, रोहित इज द राइट आंसर। ल्यूनेटिक आपके सीआरपीसी में भी आता है, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होगा यहाँ पर पागल, ल्यूनेसी भी आता है और ल्यूनेटिक भी आता है। इसी में सीआरपीसी में जो वर्ड घूमता है इसका आंसर इनसेन। इनसेन का मतलब भी पागल या ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक से संबंधित आपके उपबंध है सीआरपीसी में, क्या ल्यूनेटिक को फांसी दी जा सकती है या नहीं? इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई, क्या ल्यूनेटिक को सेंट टू गैलोज किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, तो क्या प्रोसीजर है? वो पूरा फॉलो होता है। सेंट टू गैलोज का मतलब है फांसी देना। क्वेश्चन आता है कैन ए ल्यूनेटिक बी सेंट टू गैलोज, बोले यस और नो आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। इफ नो देन व्हाई, इफ यस देन व्हाई, नहीं बन जाता तो क्या उपबंध फॉलो होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो ल्यूनेटिक और इंसेन से कनेक्टिविटी लेगा। आंसर बी दिया आपने और अपोजिट पर आ गए एफ्लुएंट। एफ्लुएंट
क्वेश्चन आता है एफ ल्यू एंड, जो आदमी मर्सिडीज मेंटेन करेगा, जगवार मेंटेन करेगा, ऑडी कार मेंटेन करेगा, वो एफ्लुएंट है, यानी दौलतमंद, यानी रहीस। जो आदमी ऑडी मेंटेन करेगा, कार अपना बैंगलो में रहेगा, बहुत गजब के मोबाइल मेंटेन करेगा, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट का मतलब है आपका पैसे वाला, रहीस एफ्लुएंट है। आपको क्या करना है, एफ्लुएंट पैसे वाला रहीस, आपको इसका अपोजिट लेकर आना है। अपोजिट साफ साफ नजर आ रहा है एक्सट्रीमली पुअर, अपोजिट साफ साफ नजर आ रहा है एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज्यादा गरीब। आंसर नंबर देकर गया बी के पास, अपोजिट पर है आप। डिसमेंबर्ड, डिसमेंबर्ड लो का वर्ड, क्राइम स्टोरी का वर्ड, वर्ड आया डिसमेंबर्ड। क्या हुआ, श्रद्धा के, श्रद्धा का जिसने मर्डर किया था, श्रद्धा का जिसने मर्डर किया था, उसने उसकी लाश को डिसमेंबर कर दिया, उसने उसकी लाश को डिसमेंबर कर दिया, श्रद्धा का मर्डर किया और लाश को डिसमेंबर कर दिया। सुनील शर्मा ने अपनी वाइफ को लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो क्राइम सीन में बहुत होता है, टुकड़े टुकड़े करना। मर्डर ए में लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मर्डर बी हुआ, उसमें लाश के टुकड़े टुकड़े दी किए, जैसी थी वैसी नदी में फेंक दी, जैसी थी वैसी की वैसी आपके उसमें फेंक दी, जंगल में फेंक दी। तो वो लाश टुकड़े टुकड़े की अपोजिट आएगी, उसको बोलेंगे अक्षत या साबुत, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंटैक्ट। वर्ड के साथ गेम खेलो, नॉलेज के साथ गेम खेलो, इसको माथे में मत बैठाओ, माथे में बैठते ही कबड्डी हो जाती है, इसके साथ गेम खेलना है। इंटैक्ट का मतलब एकदम साबुत, और फॉर एग्जाम्पल हमारी थाली में जो रोटी आती है वो इंटैक्ट होती है, फिर हम बाद में उसको डिसमेंबर कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे जीवन से, थाली में जो रोटी आती है वो इंटैक्ट होती है, लेकिन जब आप उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो डिसमेंबर हो जाती है, वो टुकड़ों में बट जाती है। तो डिसमेंबर का अपोजिट आपने इंटैक्ट किया। और क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, आप फ्रेजेस के मीनिंग निकाल लें। आपको प्लो द सैंड, प्लो द सैंड, प्लो यानी हल चलाना, सैंड का मतलब है बालू मिट्टी में, जैसलमेर और बाढ़ में। किसी ने कहा कि साहब सैंड में मिट्टी चलाएंगे, सैंड में हल चलाएंगे, प्लो करेंगे। एप्लीकेशन दो, क्या करप्शन को मिटाना संभव है, क्या करप्शन को, भ्रष्टाचार को मिटाना संभव है क्या? गवर्नमेंट ने कहा इस बार यदि हम रिजीम में आएंगे तो करप्शन को इरेज कर देंगे। बोले कितने ही रिजीम में आ जाओ, कितनी गवर्नमेंट आ जाओ, कुछ नहीं हो सकता है। प्लो द सैंड है असंभव काम को करने की कोशिश करना, असंभव काम को करने की कोशिश करना, प्लो द सैंड कहलाएगा, असंभव काम को करने की कोशिश करना प्लो द सैंड कहलाएगा। अपन बोले इस दीवार को खिसका दे, प्लो द सैंड संभव ही नहीं है, एक क्या पूरी वर्ल्ड आ जाए तो साथ तोड़ सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, लेकिन अपन बोले इसको शिफ्ट कर दे, प्लो द सैंड असंभव काम है। अपराध को मिटाना प्लो द सैंड, रेप केसेस को मिटाना प्लो द सैंड, कितने कानून बना दो, टफ से टफ कानून बना दो, जब तक दुनिया है तब तक क्राइम है, तब तक करप्शन है, तब तक छेड़छाड़ है, तब तक जिस दुनिया में ऊंच नीच है तब तक प्रॉब्लम्स है, प्लो द सैंड है। संभव ही नहीं है कि हम अपराध को, रेप केसेस को मिटा दें मिट्टी में हल चलाने से, मिट्टी में नहीं बालू में हल चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसलमेर और बाड़मेर के धोरों पर कोई सोचे मैं एग्रीकल्चर कर लूं, क्या पॉसिबल है क्या? नॉट, आपका असंभव है। आंसर नंबर जाएगा सीधा सीधा आपका एक के पास, ड्यू फ्यूटाइल अटेम्प्ट, फ्यूटाइल अटेम्प्ट का मतलब बेकार का प्रयत्न, कोई मतलब ही नहीं, फ्यूटाइल का मतलब बेकार का प्रयत्न। अब एक इंसान एक दिन क्लास में नहीं आता, गुरुजी को फॉलो नहीं करता, थोड़ी मेहनत नहीं करता और बोले आई विल बिकम एन आरजेएस, तो भैया यू आर प्लोविंग द सैंड, कोई मतलब नहीं है, तो कितने बस लो ग्रेजुएट है, लो ग्रेजुएट ही रहना, यदि तपड़ा है तो आगे की तरफ जाना है। आउट ऑफ एल्बो, आउट ऑफ एल्बो, आउट ऑफ एल्बो, एल्बो कहते हैं कोनी को, कोनी हमारी बाहर है, किसकी बाहर होती है, एक मजदूर की यानी वेजर की,
एक मजदूर की आउट ऑफ एल्बो होती है, एक कॉबलर यानी मोची की आउट ऑफ एल्बो होती है। मोची आउट ऑफ एल्बो होता है, मजदूर आउट ऑफ एल्बो होता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कोई भी इंसान आउट ऑफ एल्बो होता है, सिर्फ अपना काम चला सकता है, पेट भर सकता है, पेट भर रहा है तभी तो जिंदा है आपका, जिसे कहते हैं अत्यंत गरीब। जो सुबह सुबह भिखारी हमारे पास आते हैं वो सबके सब आउट ऑफ एल्बो हैं, जितने भी बैगर्स हमारे पास आते हैं वो आउट ऑफ एल्बो हैं। कोई भी इंसान जो अर्निंग में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है, गरीब है, पेट तो भर रहा है, वो तो इंसान जब तक जिंदा है कैसे न कैसे भर लेगा, बाय हुक और बाय क्रुक की तरफ चलेगा, दैट इज आउट ऑफ एल्बो। क्लियर आज का सेशन? चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, लिखने में, बोलने में, समझने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा मॉडल है, आपने कुड पढ़ लिया, आपने वुड पढ़ लिया, आपने कुड हैव पढ़ लिया, इनको छोड़ना नहीं है, इनको दिमाग में लेना है। आपने वुड हैव पढ़ लिया, आपने कल शुड हैव भी पढ़ लिया। भूतकाल की राय देने के लिए जिस मॉडल को यूज किया जाता है वो है शुड हैव। और भूतकाल में कोई काम आप कर सकते थे तो कुड हैव और वुड हैव, और इफ के साथ जो आपने किया था कुड और वुड। आज की कहानी क्या कहती है वो कहानी सुनिए। आज हमारा जो मॉडल आ रहा है वो आ रहा है शुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा मॉडल है वो है शुड। ये मॉडल किस काम में आता है? किसी को राय देने के लिए काम में आता है। राय देने के लिए जिस मॉडल को यूज किया जाता है उसको शुड कहते हैं, लेकिन इस राय में बाध्यता नहीं होती है। इसकी राय में माने तो ठीक, नहीं माने तो तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाध्यता नहीं होती है, यानी कंपल्शन नहीं होता है। ये शुड और मस्ट का भेद होगा, मस्ट इसका बड़ा भाई है। शुड राय देने के लिए यूज होता है, शुड में बाध्यता नहीं आती है। यदि आप एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस शुड आएगा, प्लस वी वन आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब भी मॉडल की पैसिव वॉइस ना हो तब तक वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, पैसिव वॉइस होते ही वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में आइए, ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर, मॉडल की पैसिव में हैव है तो हैव बीन आ जाएगा, नहीं तो बी आएगा। शुड बी, मस्ट बी, मे बी, कुड बी, कैन बी जो पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में, यदि एक्टिव वॉइस है तो शुड प्लस वी वन आएगा, और यदि आप उसकी पैसिव वॉइस बना रहे हो तो शुड भी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। शुड भी लिखने में, शुड भी हमारे एग्जाम में बहुत काम आएगा। जब आप कोई भी ऐसे लिखेंगे और उसके कंक्लूजन पार्ट को उतारेंगे तो शुड और मस्ट बराबर रोल निभाता है, बहुत अच्छा रोल निभाता है। कैसे? इस राय में बाध्यता नहीं होती है। जैसे एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान का त्याग कर देना चाहिए, गिव अप को इंपोर्टेंट कर लेना। यू शुड गिव अप स्मोकिंग एक्टिव वॉइस में आया क्योंकि सब्जेक्ट से वाक्य शुरू किया, शुड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आ गया। धूम्रपान को छोड़ा जाना चाहिए, आपने पैसिव बना दिया। स्मोकिंग शुड बी, स्मोकिंग शुड बी गिवन अप, गिव आपका साथ नहीं छोड़ेगा, साथ लेकर जाएगा, गिवन अप। इसीलिए मैं चाहता तो वर्ड को यूज कर सकता था, मैंने जानबूझकर फ्रेजल वर्ब को बुलाया है ताकि रूल हो जाए। स्मोकिंग शुड बी गिवन अप बाय यू, जरूरी हो तो लगा दो, नहीं जरूरी हो तो जाने दो। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग शुड बी गिवन अप। सेकंड कहता है, द जज शुड क्वैश या क्वेल, क्वैश हिज बेल, जज को उसकी जमानत को खारिज कर देना चाहिए। एक प्रोसिक्यूशन लॉयर बोल रहा है डिफेंस लॉयर से कि द जज शुड क्वैश हिज बेल, जज को उसकी जमानत को खारिज कर देना चाहिए। इसी बात को घुमा के बोल रहा है वो, उसकी जमानत खारिज हो जानी चाहिए, इसको तो गायब करो, उसको तो लास्ट में लेके जाएंगे, उसको बुला लो। हिज बेल शुड बी, शुड बी इस आर्ट में पारंगत हो जाना भाई, लोगों सफलता बहुत पास में। हिज बेल शुड बी
His bail should be quashed by the judge. जरूरी हो तो लगा दो, नहीं जरूरी हो तो गायब कर दो. ये इंपॉर्टेंट है बस. The bail should be quashed. The judge should quash his bail. आप इसकी पैसिव बनाई. His bail should be quashed. किसके द्वारा? By session judge, by high court judge, by supreme court judge. इससे हमें लेना देना नहीं, हमारी कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है. His bail should be quashed by the judge. Should or should be की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने कहा द गवर्नमेंट, दिमाग भी बना लेना. द गवर्नमेंट शुड, चाहिए राय है जबरदस्ती तो आपकी भी नहीं है. द गवर्नमेंट शुड, द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट, द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट लुक्रेटिव पॉलिसीज. द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट लुक्रेटिव पॉलिसीज. सरकार को फायदेमंद नीतियां, फायदेमंद नीतियां लागू करनी चाहिए. राय है आपकी, माने नहीं माने सरकार की मर्जी है. फायदेमंद नीतियां लागू करनी चाहिए. पॉलिसी हमेशा इंप्लीमेंट होती है, कानून हमेशा इम्पोज होता है. फायदेमंद नीतियां, पॉलिसी हमेशा इंप्लीमेंट होती है, कानून हमेशा इम्पोज होता है. हमें इसकी जो है पैसिव बनानी है, हमें इससे मतलब है. ये इससे तो मतलब ही नहीं हो गया. अब आपने कहा सर लुक्रेटिव पॉलिसीज, मन में बनाते चलो ताकि एक्सपर्टाइजेशन आ जाए. शुड बी इंप्लीमेंटेड, बस किसी कहानी है. इंप्लीमेंटेड, फायदेमंद नीतियां लागू होनी चाहिए. किसके द्वारा? अभी तो लिख दो, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना. एग्जाम में बाय लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट जाएगा बाय द गवर्नमेंट. ये है आज की कहानी. शुड पर खत्म होती है. शुड और शुड हैव में क्या अंतर है? शुड हैव में राय भूतकाल के लिए होती है, जिसको काम हो जाने के बाद जो राय दी जाती है वो शुड हैव में जाती है. यदि राय भूतकाल की है, जिसका हिंदी मतलब है करना चाहिए था, अंतर कर लेना, भूतकाल की राय है तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी. यदि भूतकाल की राय है तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी. करना चाहिए था, इन दोनों में अंतर करना, इनको साथ ही पढ़ना है आपको. यदि भूतकाल की राय है तो करना चाहिए था, और वर्तमान काल की राय है, वर्तमान काल की राय है तो हिंदी मतलब होगा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करना चाहिए. शुड प्लस वी वन आएगा, शुड हैव प्लस वी थ्री आएगा. कोई इंसान अपनी बाइक लेकर जा रहा है, माँ बाप अभी बाइक लेकर नहीं गया, निकला ही है. मानेगा बेटा तेरे को हेलमेट पहनना चाहिए, यू शुड वियर हेलमेट. उसका एक्सीडेंट हो गया तो वही मदर वही फादर बोलेंगे